नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 15 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल वाली वीडियो में हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा, तो वह क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किन्हें दिया जाएगा। तो इस बार का जो नोबेल शांति पुरस्कार 2019 दिया जाएगा, वह दोस्तों अबी अहमद अली को दिया जाएगा। तो अबी अहमद अली है, ये इसका राइट आंसर था। इसी प्रकार दोस्तों, आज की वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक ही पहुंच सके। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 51 किलोग्राम इवेंट में एमसी मेरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम इवेंट में एमसी मेरी कॉम, जो भारत की मुक्केबाज हैं, उन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक इसका राइट आंसर हो गया। तो ये जो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, ये कहाँ पर की गई थी, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये दोस्तों एमसी मेरी कॉम ने जीता है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो फोटो में आपको दोस्तों एमसी मेरी कॉम दिखाई दे रही है। तो ये जो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये दोस्तों रूस के उलान उडे में आयोजित की गई थी। उलान उडे रूस में एक शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और 51 किलोग्राम इवेंट में एमसी मेरी कॉम ने कांस्य पदक जीता है, वह दोस्तों तुर्की के जो बुसेनाज के की रोगलू हैं, उनसे एक कड़े सेमीफाइनल मुकाबले में हार गई थी। यह कांस्य पदक 51 किलोग्राम वर्ग में उनका पहला विश्व पदक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टाइफून हागिबिस तूफान किस देश में आया है। तो टाइफून हागिबिस नाम का एक तूफान आया है, और ये तूफान दोस्तों किस देश में आया है, तो ये तूफान जापान में आया है। तो जापान इसका राइट आंसर हो गया। तो ये टाइफून हागिबिस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो नीचे दोस्तों आपको फोटो में तूफान की फोटो दिखाई दे रही है, जिससे काफ़ी जापान में तबाही मचाई है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, आंधी और तूफान के बाद जापान की राजधानी टोक्यो पर टाइफून हागिबिस ने किया प्रहार, और बाढ़, भूस्खलन और आपातकालीन आपदा चेतावनियों के कारण चक्रवात हागिबिस 1958 के बाद यह जापान के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ है। अधिकारियों ने देश भर में 6 मिलियन से अधिक लोगों के लिए निकासी सलाह है और आदेश जारी किए हैं, क्योंकि इस तूफान में जो वस्त्र हैं में सबसे भारी बारिश और हवाओं को देखा गया है, और ट्रेन ऑपरेटरों ने बुलेट ट्रेन सेवाओं को बड़े पैमाने पर निलंबित कर दिया है। दोस्तों, जो टाइफून तूफान का नाम है, और जो हागिबिस कहते हैं, इस हागिबिस का अर्थ होता है गति, फिलीपींस भाषा का शब्द है, फिलीपींस भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, गति। तो ये टाइफून गति का तूफान आया है, ये जापान में आया, इसने बहुत ही तबाही मचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। इससे पहले आपको बता दूं, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो की पीडीएफ के साथ में पीछे के सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो गया नरेंद्र मोदी। ये फोटो में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। अब इस बैठक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की एक बैठक की अध्यक्षता की है, और इस कार्यक्रम के तहत सरकार की योजना विभिन्न राज्यों के बीच एक दूसरे की संस्कृति की जानकारी बढ़ाने के लिए आपसी आदान प्रदान की व्यवस्था करना है। दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत की विविधता और राष्ट्रीय एकता को उजागर करता है, और पहल का लक्ष्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर समग्र राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य विकसित करना है, और भारत की जो जीवन क्षेत्रीय संस्कृति है उसके उत्सव को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, वह दोस्तों किस देश के एलिउड किपचोगे ने
2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। तो दोस्तों केन्या देश है, तो केन्या के एलिउड किपचोगे 2 घंटे के मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ये फोटो में दोस्तों आपको एलिउड किपचोगे दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो केन्या के एलिउड किपचोगे 2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। उन्होंने एक विशाल वियना पार्क में विशेष रूप से तैयार कोर्स पर इस 2 घंटे की दौड़ को पूरा किया है। उन्होंने 1 घंटा 59 मिनट 40.2 सेकंड के अनौपचारिक समय के साथ मैराथन को समाप्त किया है और 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब देखते हैं इसके बारे में और जानकारी। तो एलिउड जो किपचोगे हैं ये पहले ही दोस्तों 2 घंटे 1 मिनट 39 सेकंड के समय के साथ दूरी के लिए पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसे उन्होंने 16 सितंबर 2018 को फ्लैट बर्लिन मैराथन में प्राप्त किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दोस्तों है एडीबी बैंक या बोले तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $190 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किस राज्य की परियोजनाओं के लिए किए हैं। तो दोस्तों राजस्थान राज्य की परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $190 मिलियन का समझौता किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या परियोजनाएं होंगी। तो ये फोटो में दोस्तों आपको एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोगो दिखाई दे रहा है। तो एशियन जो विकास बैंक और भारत सरकार ने 190 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस राशि का उपयोग राजस्थान के 14 जिलों में लगभग 26 मिलियन लोगों को लाभान्वित करने के लिए 754 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों यात्रियों और पैदल यात्रियों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए इस परियोजना में 200 से अधिक बस स्टॉप, 70 किलोमीटर हार्ड शोल्डर और प्रोजेक्ट सड़कों पर 2 किलोमीटर की उठी जो फुटपाथ हैं उनके निर्माण का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए $190 मिलियन खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा। दोस्तों सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान के बीच में दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा, और ये कब शुरू होगा इसके बारे में जानते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया, जापान इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में आपको इंडिया का मैप और ये जापान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान के बीच दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे क्या नाम दिया गया है, धर्मा गार्जियन 2019 मिजोरम में 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2019 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जिसमें 25 सैनिक शामिल हैं, दोनों इस अभ्यास में संबंधित देशों में विभिन्न आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान प्राप्त अनुभव साझा करने के लिए भाग लेंगे। दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास से भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज है इनके बीच रक्षा सहयोग का स्तर बढ़ेगा, जो आगे चलकर दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है मंजू रानी ने। तो मंजू रानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में आपको मंजू रानी को आप देख पा रहे हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो आपको अभी ऊपर मैंने बताया कि 51 किलोग्राम में एमसी मैरी कॉम ने रूस में आयोजित में कांस्य पदक जीता है, और वहीं पर मंजू रानी ने रूस के उलान उड्डे में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रूसी एकातोरिन पाल्टसेवा ने 48 किलोग्राम श्रेणी में रानी को 4-1 से हराया था। तो 48 किलोग्राम की जो श्रेणी है उसमें मंजू रानी ने रजत पदक, और 51 किलोग्राम की जो श्रेणी है उसमें दोस्तों एमसी मैरी कॉम ने कांस्य पदक भारत के नाम में किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। तो दोस्तों भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी हैं जिन्हें अर्थशास्त्र 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो अभिजीत बनर्जी कौन है इनके बारे में जानते हैं। ये फोटो में दोस्तों आपको 3 लोग देख पा रहे हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2019 दिया जाएगा। इनमें ये फोटो में आपको दिखाई दे रही है अभिजीत बनर्जी हैं, और यहाँ पर ये इनकी पत्नी हैं जिनको भी संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और उनके साथ ये एक व्यक्ति और जिन्हें
नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले देख लेते हैं अभिजीत बनर्जी के बारे में। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार देने का दोस्तों फैसला किया है। वहीं भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को अल्फ्रेड नोबेल 2019 की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। उनके साथ साथ दोस्तों एस्थर डुफ्लो हैं जो अभिजीत बनर्जी की पत्नी हैं, और माइकल क्रेमर जो पहली फोटो आपको दिखाई दी थी, माइकल क्रेमर, इन तीनों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को दोस्तों वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग पर इनके शोध के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारत में जन्मे अभिजीत बनर्जी एक अमेरिकी लेखक हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, जबकि एस्थर डुफ्लो फ्रांसीसी अमेरिकी हैं जो अभिजीत बनर्जी की पत्नी हैं, और माइकल क्रेमर भी अमेरिका से हैं। दोस्तों 58 साल के अभिजीत बनर्जी का जन्म भारत में हुआ, भारत के कोलकाता में हुआ था, और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, और उसके बाद में वह अमेरिका में जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए हैं। और इन्होंने इकोनॉमिक्स से जो एमए किया है या पीजी की है पोस्ट ग्रेजुएशन, वह दोस्तों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीजी की थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो एलेक्सी लियोनोव है ये दोस्तों रूस के थे, तो रूस इसका राइट आंसर हो गया। तो फोटो में दोस्तों आपको एलेक्सी लियोनोव दिखाई दे रहे हैं, ये अंतरिक्ष पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके बारे में जान लेते हैं। तो अंतरिक्ष में दोस्तों पहली बार चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव को शुक्रवार को मॉस्को में निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध सोवियत कॉस्मोनॉट थे जो 54 साल पहले अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इस मिशन के दौरान 18 मार्च 1965 को लियोनोव अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और 12 मिनट 9 सेकंड तक चहलकदमी की थी। तो ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वह देख लेते हैं। क्वेश्चन है डच ओपन पुरुष एकल के फाइनल में जापान के युसुके ओनोडेरा को हराकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो यह जीतने वाले दोस्तों भारतीय हैं जिनका नाम है लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में आपको लक्ष्य सेन ट्रॉफी के साथ में दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो भारत के उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने डच ओपन पुरुष एकल में फाइनल में जापान के यूसे के ओरोडेरा को हराकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में अपना पहला खिताब जीता है। वहीं विश्व रैंकिंग में 72वें स्थान पर काबिज 18 साल के इस खिलाड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए 63 मिनट तक चले मुकाबले में 15-21, 21-14 और 21-15 से ये मुकाबला अपने नाम में किया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। यदि दोस्तों आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपका श्योर सही होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, भारत चीन के बीच कौन सा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हाल ही में शुरू हुआ है या समाप्त हो गया है? तो भारत चीन के बीच में दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा वह भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई राय हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।